हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ मेरी जो बेटी है नेहल, वो बहुत ज़्यादा बिजी है लोटे और चम्मच के साथ, और उसने पूरे घर को तहस नहस मचा के रख दिया है। मैं आज ना आप लोग के साथ शाम वाला ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली मैंने कल ही शूट करके रख लिया था। कल मैंने आपके साथ मॉर्निंग वाला ब्लॉग भी शेयर किया था, तो मैंने सोचा ना आज आप लोग के साथ इवनिंग वाला ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो क्योंकि आज मंडे था और हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगता है, तो मैं थोड़ा सोचा मैंने आप लोग को अपने यहाँ का मंडे मार्केट भी दिखाऊं, तो इसलिए मैंने जो है शाम का व्लॉग भी शूट किया है। तो मेरा घर ना पूरा तहस नहस हो गया। मेरे को सुबह बहुत टाइम लगा था घर को समेटने में, फिर मुझे शाम को फिर डबल मतलब दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा से झाड़ू, दोबारा से बिस्तर वगैरह ठीक करना पड़ता है, दोबारा से सब सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक करना पड़ता है। तो नेहल ने जो है ना लोटे और चम्मच के साथ खेल रही थी, और उसने बिस्तर पर थोड़ा पानी भी गिरा दिया था, पर वो था कि वो एंड में था तो इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, नहीं तो बिस्तर जो है पूरा गीला हो जाता, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंडा सा माहौल हो गया था, वो जल्दी सूख भी नहीं है। तो यहाँ पे ना सुबह आपने देखा होगा अगर आपने सुबह वाला व्लॉग, तो उसमें बहुत सारे कपड़े थे सोफे पे रखे, तो उसमें से मैंने कुछ कपड़े प्रेस के लिए दिए थे, तो वो प्रेस पे से कपड़े आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से उसी बीच में। तो आज मैं ना थोड़ा लेट थी क्योंकि इस शाम वाले ब्लॉग में, क्योंकि ना मैं मॉर्निंग वाला ब्लॉग शूट कर मतलब जो वॉइस ओवर करने में उसमें मैं थोड़ा लेट हो गई थी, वीडियो अपलोड करने के चलते मैंने खाना जो है लेट चढ़ाया था। बट मैंने पहले ही दाल और चावल बना के रख लिया था, सब्ज़ी बनानी बाकी थी और चाय बनानी बाकी थी। मैं वैसे तो हस्बैंड के आने से पहले ही मैं चाय चढ़ा के रख देती हूँ, जैसे वो घर आते हैं वैसे, जैसे वो हाथ पैर धोते हैं वैसे उनके आके मैं चाय ला के रख देती हूँ। बट आज मैं थोड़ा लेट थी क्योंकि मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी अपने मॉर्निंग वाले व्लॉग में, और जो है फिर मैंने उसमें मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, फिर इसके बाद मैंने ये शाम वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो वो घर आ गए थे तो मैंने कहा पहले फ़िलहाल मैं घर समेट लेती हूँ, फिर इसके बाद उनको चाय और मैं अपना जो है सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो फाइनली मैं सारे कपड़ों से फ्री हो गई, जो धुले हुए कपड़े थे वो भी मेरी अलमारी में सेट हो गए और प्रेस वाले कपड़े भी सेट हो गए। मुझे एक्चुअली थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो नेहल सारे कपड़े वगैरह ख़राब कर देती है, सारा फेंक देती है नीचे, और प्रेस वाले कपड़े का तो ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, नहीं तो प्रेस के कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे, तो फिर वो ऑफिस के भी कपड़े होते हैं, कुछ मेरे भी कपड़े होते हैं। तो शाम का टाइम था तो मैं यहाँ पर अगरबत्ती दिखा रही हूँ, मैं दिया बाती नहीं कर रही, मैं सिर्फ अगरबत्ती दिखा रही हूँ। तो नेहल जो है मुझे कह रही थी नीचे बैठ करके पूजा करो, क्योंकि जब वो दादी के घर जाती है ना तो तन्नु वहाँ पर, जो तनु है इसकी जो बड़ी बहन है, वो बैठ करके नीचे बैठ कर पूजा करती है, तो वो इसके साथ जो तनु के साथ नेहल भी पूजा करती है, इसीलिए वो मुझे बोल रही थी कि बैठ के पूजा करो, मैं भी बैठ के पूजा करूँगी। बट मेरे यहाँ पे जो मंदिर है वो दीवार पे लगी हुई है, और मेरी जो सासू माँ ने जो मंदिर रख रखा है वो जो है उन्होंने ज़मीन पर रख रखा है, इसलिए जो है वहाँ पर बैठ के पूजा होती है, यहाँ पर मैं खड़े होकर के पूजा करती हूँ। वो मुझे बार बार बोल रही थी बैठो बैठो, ये जैसे यहाँ पर बैठ गई है वो, मुझे बार बार बोल रही थी बैठ करके पूजा करो, जैसे ही मैं अगरबत्ती दिखा आती हूँ वैसे ही वो अगरबत्ती, वैसे ही वो आकर कहती है बैठो पूजा करेंगे, बैठो पूजा करेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अगरबत्ती दिखा करके मैंने सीधा रसोई में आ गई, और मैं यहाँ पे ना जो है चाय बना रही हूँ, चाय बना, और साथ में जो है मैं यहाँ पे अपना सुबह की मतलब यहाँ पे जो है सबसे पहले शाम की सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी दाल और चावल बन चुका था, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैंने ना एक टाइम मैंने दोबारा चाय पी लिया था अपनी, क्योंकि मुझे उनके आने से पहले ना 5 बजे के आसपास थोड़ी सी तलब लगती है चाय पीने की, तो मैं इसलिए चाय जो है मैं आराम से बना करके एक बार पी लेती हूँ, फिर इसके बाद उसी बीच में अगर मैं अगर 6 बजे तक मैं बनाती हूँ तो फिर मैं अपना खाना पीना भी चढ़ा देती, जिससे मेरा खाना पीना भी बन जाता है। यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, चावल भी बन चुका है, तो यहाँ पर मैं दाल चावल इकट्ठे रख करके फिर मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो मैं सबसे पहले लौकी की सब्जी बनाने वाली थी आज, बट लौकी थोड़ी बड़ी थी, और गोभी मैंने गोभी निकाला था कि सुबह की सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, काट करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह जो है अभी आपको पता ही है मेरे यहाँ पर 3-4 दिन तक आंटी नहीं आएंगी काम करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा जो है सब्जी काट करके सुबह के लिए रख लूँगी। बट गोभी बहुत छोटी थी, गोभी की सब्जी बनाने वाली थी सुबह, पर गोभी छोटी होने की वजह से मुझे फिर गोभी की ना भुजिया बनानी पड़ रही है रात में ही, और घिया जो है मैं फिर सुबह के लिए रखने वाली हूँ। लौकी जैसे आप लोग लौकी बोलते हो, घिया बोलते हो, आप लोग के यहाँ लौकी बोला जाता है कि घिया बोला जाता है, प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं आलू और गोभी की जो है ना भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि गोभी बहुत छोटी थी, तो इसलिए मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाया है, और दाल चावल इसके साथ जो है हम खाएंगे। मतलब अगर मुझे कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती कि आज खाने में क्या बनाना चाहिए या टाइम नहीं है, तो मैं भुजिया प्रेफर करती हूँ, अच्छा भी लगता है खाने में, और
बन भी जाता है जल्दी से, तो इसलिए मैं भुजिया ज़्यादा पसंद करती हूँ खाने में और बनाने में भी। तो यहाँ पर मैं घिया काट रही हूँ सुबह के लिए कि मेरा सुबह का जो टाइम है वो सेफ़ हो, और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, नेहल जो है भी आजकल जल्दी जग जा रही है, तो इस वजह से मेरे को टाइम मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही सब्जी काट के रख लूँगी। फिलहाल मैं आटा गूंद के नहीं रखूँगी, कभी कभी मैं आटा गूंद के भी रख लेती हूँ अगर मेरे हाथ में होता है तो। तो आलू गोभी की भुजिया बनाने के लिए ना मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और उसमें ना मैंने तेल डाल दिया, जैसे गर्म होगा उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि ना मुझे ना आलू गोभी के भुजिया में या आलू की भुजिया में जीरा बहुत अच्छा लगता है, लाल मिर्ची का जो है छोका हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनको भुजिया में जो है ना जीरा नहीं पसंद है, तो मैंने ना आलू गोभी की भुजिया को धो करके अच्छे से उसको मैंने जो है कढ़ाई में डाल दिया। मेरी चाय भी बन गई है, अभी मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं और इसके बाद मुझे शाम को बाज़ार जाना है। तो हम आ चुके हैं बाज़ार में, हम लेट हो गए थे क्योंकि 9:30 हो रहे थे समय बाज़ार जाते वक्त, तो मैंने घड़ी देख लिया था। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं बाज़ार में, और जो है भीड़ बहुत कम हो गई थी। मैंने जो सोचा था कि आप मतलब मैं वैसे बाज़ार जाना कम बहुत कम प्रेफर करती हूँ, बट दिन भर घर में बैठ करके बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है बाज़ार जब मार्केट होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी जाऊँ, बट नेहल बहुत ज़्यादा तंग करती है मार्केट में, उसके साथ कहीं आना और जाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत बड़ा टास्क लगता है मुझे। तो वो उसके पापा जो है आलू और सब्जी, आलू और प्याज वगैरह ले रहे थे, तब तक मैं निहल को संभाल रही हूँ, वो मेरे से हाथ छुड़वा रही है कि छोड़ो मुझे जाना है, छोड़ो मुझे जाना है, तो वो सब्जी वगैरह ले रहे हैं और वो मुझे बहुत तंग कर रही है। इस तरह से वो दुकानों के बाहर जाके खड़ी हो जा रही है और डांस कर रही है, मुझे हंसी भी आ रही है, और मैं उसको बहुत बोल रही हूँ, मना कर रही हूँ कि मत करो मत करो, बट वो मान नहीं रही है। बच्चा अपनी जिद पर आ जाता तो अब किसकी सुनता है। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं सब्जी से, मैंने क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, बहुत तंग करने लगी थी। तो जैसे हम सब्जी लेकर के आए ना, तो नेहल ने पिछली बार भी यही एक्टिविटी की थी, उसने बहुत बार अपने मेरे को उसके पापा को सब्जी रखते हुए देखा है फ्रिज में, तो वो वही सेम एक्टिविटी जो है वो खुद कर रही है। फिलहाल मैंने उसके बाल बांध दिए थे, बट उसके बाल ना थोड़े ढीले हो गए हैं जो मैंने उसके रबड़ लगाई थी, तो वो लगाने ही नहीं देती है। उसके बाल मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े से जब बाल हो जाते हैं ना, उसके जब वो हुई थी उसके बाल बहुत बड़े थे, बट हमने जो है जनवरी में कटवा दिए थे, अब फिलहाल फिर बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ना जो है यहाँ पे निहल जो है सब्जी लगा रही है, मम्मी पापा की हेल्प कर रही है सब्जी लगाने में, उसको बहुत मज़ा भी आ रहा है सब्जी रखने में फ्रिज में। और जो है टमाटर खुल गए थे, तो टमाटर वो एक एक करके फिर से पन्नी में रख रही थी। तो ये मतलब बच्चों की ना एक्टिविटी, मतलब एक कहते नहीं मासूमियत, वो ये वाली मासूमियत है जो बच्चे के चेहरे पे झलकती है, जो हर एक एक्टिविटी को बहुत दिल से करते हैं। मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए कोई मतलब उनके दिल में कोई बुराई नहीं होती है, मतलब अच्छे अच्छे दिल से वो मदद करते हैं। तो वो आलू भी रख रही थी फ्रिज में, बट हमने फिर मना किया कि नहीं आलू मत रखो, निकालो। आलू प्याज उसने दोनों फ्रिज में डाला, और ये कम से कम 2 किलो आलू था उसने अकेले उठाया है, और फिर इसने जो है फ्रिज बंद कर दिया। तो ये था आज का शाम का व्लॉग, आई होप सो आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, निहल की ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें प्यारे प्यारे रील्स वीडियोज़ देखने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।